Hello and welcome to the Indian Institute, guys. This is Brijesh Kumar here again, and today we are going to know the use of some question words. And aaj jo use hum seekhne wale hain, that is use of how. Aur use of how ka jo matlab hai, wo kai log try to karte hain, but क्या वो सही तरीके से ग्रामर के साथ स्पीकिंग कर पाते हैं? जी नहीं. बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी हाउ का यूज़ जब करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रामर में मिस्टेक कर जाते हैं. तो चलिए आज हम लोग ग्रामर के एक छोटे से ट्रिक के साथ इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और बोलते हुए चलेंगे. आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी बहुत ही आसान तरीके से. चलिए, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हाउ का मतलब होता है कैसे. क्या होता है हाउ का मतलब होता है कैसे. तो जब हम बात करते हैं कि कैसे हम प्रॉपर ग्रामर के हिसाब से स्पीकिंग करें, तो उसके लिए कुछ करना नहीं है. आपको अगर याद होगा तो हमने डू डस का जो यूज़ बताया था, डिड का जो यूज़ बताया था, जो विल का यूज़ बताया था, और जितने भी टाइम वर्ड्स हमने बताए थे उन सारे टाइम वर्ड्स को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे. तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक प्रॉपर स्पीकिंग होती है और कैसे हम सारे क्वेश्चन वर्ड्स को आसानी से इससे कनेक्ट करते हैं. तो करना कुछ नहीं है, आपको वो फॉर्मेट याद होगा तो हमने डू डस सब्जेक्ट एक्शन एक्स्ट्रा वर्ड बस इतना ही बताया था जब भी हम क्वेश्चन की बात करते थे. बिल्कुल उसी तरीके से पास्ट की बात आई तो हमने डिड सब्जेक्ट एक्शन और एक्स्ट्रा वर्ड, यही सारी चीजें आपको बताई गई थी. बिल्कुल हाँ, यही चीजें बताई गई थी. और विल की बात आई तो विल में भी सेम वही पैटर्न चलता है. तो इन तीनों का पैटर्न सेम है, बस हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द टाइम वर्ड हमें इसे चेंज करते हुए चलना है. और उसके बाद क्या करना है, इज एम आर के साथ जो हमारा पैटर्न है वो है सब्जेक्ट के बाद एक्शन, और एक्शन में हम सिंपल सा आईएनजी रखेंगे और एक्स्ट्रा वर्ड यहां पे रख देंगे, हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा. चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो बेहतर हो जाएगा और आसान तरीके से हम इसको समझ पाएंगे. चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे हाउ मीन होता है कैसे. अगर मैं बात करता हूं डू डस के मुताबिक, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट की बात करता हूं, तो प्रेजेंट डेफिनेट में आपको करना कुछ नहीं है. सिंपल सी बात करूं, मैं आपको ये कहूं कि ये बताओ आप खाना कैसे बनाते हो, आप खाना कैसे बनाते हो, ते हो यानी कि ता है, ती है, ते है, आए. जैसे ही हमारा साउंड क्या कर रहा है, ता है, ती है, ते है, आता है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, समझ जाएंगे कि डू डस में जाने वाला है और हम क्या बोलेंगे, आप कैसे, यानी कि हाउ डू यू, राइट. जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा हाउ, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ डू यू. अब एक्शन क्या है, खाना बनाना यानी कि मेक, और फिर एक्स्ट्रा वर्ड हाउ डू यू मेक फूड, क्या बोलेंगे, हाउ डू यू मेक फूड. बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि आप इंग्लिश कैसे बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश. इसी तरीके से अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें और थर्ड पर्सन को लेके चलें और हम ये कहें कि वह यहाँ पर कैसे आता है, वह यहाँ पर कैसे आता है. सो दिस इज वेरी सिंपल दैट यू कैन से हाउ डज ही, क्योंकि आपको पता होगा कि ही के साथ हम डज यूज करते थे, शी के साथ डज यूज करते थे, और जितने भी हमारे थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, राम, श्याम, कोई भी नेम हमारे सामने आता है किसी पर्सन या प्लेस का नेम, तो सिंपली हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल हम डज लगाते हैं, राइट. और सिंपली क्या करेंगे, हाउ डज ही, राइट, कम आना, यानी कि हाउ डज ही कम हियर. बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. और आप बोलोगे हाउ डज ही कम हियर, अरे वो खाना कैसे खाता है, सो हाउ डज ही टेक फूड. वह डांस कैसे करती है, हाउ डज ही डांस, राइट. बिल्कुल उसी तरीके से मैं ये कहूँ कि वह गाना कैसे गाती है, हाउ डज ही सिंग अ सॉन्ग. अगर इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आप ऐड करना चाहते हो तो यू कैन, जैसे कि मैं ये कहूँ कि यार ये बताओ वह घर पर गाना कैसे गाती है, हाउ डज सी सिंग अ सॉन्ग, यस हाउ डज शी सिंग अ सॉन्ग एट होम, राइट. सो दिस इज वेरी सिंपल दैट यू कैन ऐड एनी ऑफ द यू नो एक्स्ट्रा वर्ड हियर एंड द सेंटेंसेस आर रेडी, सारे के सारे सेंटेंस आपके तैयार हैं. अगर पास्ट की बात कर ली जाए जहाँ पे साउंड आ जाए क्या, ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, यी, ये, ऐसे कोई भी साउंड अगर आपके सामने आते हैं तो आप क्या करोगे, डिड का यूज़ कर लोगे. बस टाइम वर्ड चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली डिड का यूज़ कर लेना है. जैसे कि मैंने आपसे कहा ये बताओ, अच्छा वह क्रिकेट कैसे खेलता था, राइट, वह क्रिकेट कैसे खेलता था. ता था मतलब क्या हुआ कि हम डिड की बात कर रहे हैं, ता था, ती थी, ते थे, या, ये. तो बहुत आसान तरीके से आप क्या बोलोगे, हाउ डिड ही प्ले क्रिकेट, हाउ डिड ही प्ले क्रिकेट. ही हमारा सब्जेक्ट है, एक्शन है प्ले, और क्या खेल रहा है, वो एक्स्ट्रा वर्ड में जाता है, क्रिकेट. मैंने कहा कि वह
फुटबॉल कैसे खेलता था, तो हाउ डिड ही प्ले फुटबॉल, क्या बोलेंगे हाउ डिड ही प्ले फुटबॉल। तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ भी लिख देंगे हाउ और हमारा सेंटेंस तैयार है। इसी तरीके से मैं ये कहूँ कि आप हमारी वीडियो कैसे देखते थे, हाउ डिड यू वॉच आर वीडियो। यस, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा या ये सपोज दैट मैंने ये बताया पूछा आपसे कि अच्छा ये बताओ कि उन्होंने खाना कैसे बनाया, या बात समझ रहे हो। जी हाँ, तो ये भी तो बात आती थी लेकिन या ये आ जाए तो भी हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात करेंगे और डिड लगाएंगे और सिंपल क्या बोलेंगे, हाउ डिड दे मेक फूड, हाउ डिड दे मेक फूड। आसान है, स्ट्रक्चर के हिसाब से समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर जैसे ही हम क्या करते हैं, गा गी गे की बात आती है यानी कि फ्यूचर की बात आ गई, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा विल ऐड करेंगे। जी हाँ, विल ऐड करेंगे और विल को ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। सिंपली क्या बोलेंगे, हाउ विल यू, सब्जेक्ट है यू, एक्शन है क्या, आप जो भी एक्शन आप लेते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ कि कल तुम बाजार कैसे जाओगे, राइट कल तुम बाजार कैसे जाओगे, कल क्या हुआ, एक्स्ट्रा वर्ड है उसे हटाते हैं, तुम बाजार कैसे जाओगे। सो हाउ विल यू क्या हो जाएगा, हाउ विल यू, कहाँ बाजार जाने की बात हो रही है। सो दिस इज वेरी सिंपल, हाउ विल यू गो टू मार्केट, क्या बोलेंगे, हाउ विल यू गो टू मार्केट टुमारो, हाउ विल यू गो टू मार्केट Tomorrow. I hope कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं डियर। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यूस की बात कर सकते हो। Whenever we are going to talk about the present continuous, so you have to just go through this structure, right? Yes, ये सारे के सारे क्या थे, indefinite थे, क्या थे, indefinite थे, लेकिन अब क्या बात कर रहे हैं हम, ये continuous की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी हम continuous की बात करेंगे, simply is am are यानी कि according to the subject हम is am are का use करते हुए action में ing लगाएंगे और sentence हमारा तैयार है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये बताओ कि आप हमारी video कैसे देख रहे हो, right? आप हमारी video कैसे देख रहे हो, so आपके लिए क्या लगता है, सबको पता है आर लगता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम हाउ, हाउ लगाएंगे उसके बाद आर लगाएंगे। सो हाउ आर यू वॉचिंग आवर वीडियो, हाउ आर यू वॉचिंग आवर वीडियो, दिस इज वेरी सिंपल दैट यू कैन से। हम ये कहें वह खाना कैसे बना रहा है, हाउ इज ही, हाउ इज ही, हाउ इज ही मेकिंग फूड, क्या बोलेंगे, हाउ इज ही मेकिंग फूड, मेरे साथ बोलिएगा हाउ इज ही मेकिंग फूड। बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये कहूँ वह डांस कैसे कर रही है, हाउ इज शी, क्या बोलेंगे, यस लड़की है तो सिंपल सा हाउ इज शी बोलिए, हाउ इज शी डांसिंग, क्या बोलेंगे, हाउ इज शी डांसिंग। बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये कहूँ कि आप गाना कैसे गा रहे हो, हाउ आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, हाउ आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। बात समझ में आ रही है, तो आप इसको लिखते चलिएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम पास्ट में चले जाते हैं तो कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पे हमें करना है हाउ, उसके बाद वॉज या वर लगाएंगे। ये वॉज या वर जब हम भी लगाएंगे यहाँ पे तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा था, हाउ वॉज आई, क्योंकि आई के लिए हमेशा वॉज का यूज़ होता है। सो Always remember that you have to say how was I, क्या कर रहा था, teaching कर रहा था, how was I teaching you, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा था, how was I teaching you। तो आप कहोगे, आप सिंपल सा अब आप भी कर सकते हो ये क्वेश्चन कि वह कैसे पढ़ा रहा था, so how was he, क्या बोलेंगे, how was he teaching, how was he teaching, अरे यार तुमने देखा वो कैसे डांस कर रहा था, बिल्कुल how was he dancing, did you see how was he dancing, बिल्कुल आसान बहुत ही easy trick है। इसी तरीके से dear जितने भी और सारे क्या हैं, जैसे कि have हो गया, has हो गया, सबके साथ जैसे जैसे trick हमारे simple उसमें बताए गए हैं, जी हाँ ग्रामर के टाइम पे जितने भी टाइम वर्ड्स बताए गए हैं, अगर आपने टाइम वर्ड्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और टाइम वर्ड्स के वीडियोस देखिए, उसके बाद आप इस पे आएंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको समझने में, बहुत ही ईजी हो जाएगा सेंटेंस को बनाने में और उसको यूज़ में लाने में, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो एक काम करते हैं, अभी मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए और आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल से सेंटेंसेस बना सकते हो, रहा है, रही है, रहे हैं, और ये है पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ हम सिंपल सा यहाँ पे हाउ रखेंगे और इस स्ट्रक्चर को बोलते चले जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसके आंसर भी होते हैं। जैसे कि सिंपल सा मैं पूछूँ, क्या पूछूँ, हाउ डू यू कम हियर,
राइट हमने पूछा कि हाउ डू यू कम हियर, आप यहाँ पे कैसे आते हो, हाउ डू यू कम हियर। सो दिस इज वेरी सिंपल कि आप आंसर दोगे सर मैं पैदल आता हूँ, सर मैं कार में आता हूँ, सर मैं बस में आता हूँ, या फिर मैं ट्रेन से आता हूँ, राइट। तो आप कई मीडियम्स यहाँ पे बताएंगे। सो दिस इज वेरी सिंपल दैट यू कैन से दैट कि आप बताओगे आई कम हियर ऑन फुट, क्या बोलोगे ऑन फुट, या फिर आप क्या बोलोगे आई कम हियर, आई कम हियर। अब यहाँ पे देखो कंडीशंस कई आती हैं, इन द कार कर सकते हो, इन द कार कर सकते हो, राइट। बिल्कुल उसी तरीके से अब जैसे जैसे आप चीज़ें समझते जाओगे तो आपको पता होगा कि एक वर्ड होता है बाय, क्या होता है बाय। तो आप जब इन और ऑन में कंफ्यूज हो तो उस सिचुएशन में हमारा बाय हेल्प करेगा, और आप बाय लगाओगे तो बाय हमारा कॉमन वर्ड माना जाता है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी सिंपल दैट आई कम हियर बाय द बाइसिकल, बाय द मोबाइक, बाय द कार, बाय द ट्रेन, बाय द बस, व्हाटएवर, राइट। सो यू कैन यूज़ इट, बट इफ़ यू आर कंफ्यूज इन द इन एंड ऑन, सो लेट मी क्लियर वन थिंग दैट वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मीडियम्स, सो इन दिस सिचुएशन दिस इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड कि जब कभी भी हम मीडियम की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में जब कभी भी हमें बैठने के लिए क्या हो, झुकना पड़े। जी हाँ, जैसे कि कार होता है, कार में हमें बैठने के लिए क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हम इनका यूज करेंगे, राइट। और अगर हम स्ट्रेटली जाते हैं और स्ट्रेटली बैठ जाते हैं कहीं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, सो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऑन का यूज़ करना है। जैसे होता है क्या, बस में जाते हो तो आपको झुकना नहीं पड़ता, आप सीधे जाते हो और सीधे वहाँ पे बैठ सकते हो। सो दिस इज़ कॉल कि वहाँ पे हम ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं और इन का भी कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब कभी भी आपको कोई ऐसी बस मिल जाए जिसमें आपको झुकना पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में हम इनका भी यूज़ करेंगे। दिस इज डिपेंड ऑन दैट। अच्छा, ट्रेन में भी यही चीज़ लागू होती है। ट्रेन में आपने देखा होगा कि एक सीट क्या होती है जो सिंगल होती है, उसमें झुकना नहीं पड़ता, आप सीधे जाते हो और वहाँ पे बैठ जाते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड कि वहाँ पे हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं ऑन द ट्रेन। लेकिन आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि आप जैसे ही इस जहाँ पे तीन चार सीटें होती हैं उस तरफ आते हो तो आपको झुककर बैठना पड़ जाता है। जी हाँ, तो उस कंडीशन में वहाँ पे इन का यूज़ होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, आप वहाँ पे इन ऑन बाय व्हाटएवर यू कैन यूज़, राइट। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट कि क्या स्ट्रक्चर है, पहले तो इसको समझो, क्वेश्चन बनाना, क्योंकि हम क्वेश्चन वर्ड सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन बनाना अगर आ गया है तो आंसर देना भी बहुत आसान है, वो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल है, जब भी आपसे पूछे हाउ डू यू कम हियर, सो आपने कहा आई कम हियर ऑन फुट, इन द कार, व्हाटएवर। लेकिन यही अगर हो जाता क्या कि हाउ डिड यू, यानी कि पास्ट की बात कर दी जाती तो यहाँ पर क्या हो जाता, केम, क्या हो जाता, केम, आई केम हियर ऑन फुट, या फिर आई केम हियर ऑन इन द कार, व्हाटएवर, जो भी है, लाइक दिस। तो इस तरीके से सेंटेंसेस आप बनाते चलिए और हाउ का यूज़ करते चलिए गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आ गया तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द ऑल नोटिफिकेशन ऑन योर सेल फोन वेन एवर वी आर गोइंग टू अपलोड अ न्यू वीडियो, राइट। और आपको टाइम पर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और आप सारे वीडियो कंटिन्यू देखते चलिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।